नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की प्रेम कथा। पहले के समय में देवताओं और असुरों में अनेकों बार युद्ध हुए। कभी देवताओं की विजय होती थी तो कभी असुरों की विजय होती थी। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब असुरों की शक्ति बहुत बढ़ने लगी। इसका कारण यह था कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस कारण असुरों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई और युद्ध में जो भी असुर मृत्यु को प्राप्त होता उसे शुक्राचार्य अपनी शक्ति से पुनः जीवित कर देते। इस बात से देवता बहुत निराश हुए और वह सोच में पड़ गए। इस बात का पता देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को चला तो वे भी चिंतित हो गए। सभी देवता सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए। तभी बृहस्पति जी को एक विचार आया। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को आज्ञा दी कि वह शुक्राचार्य के पास उनका शिष्य बनकर जाए और मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। और गुरु बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि यदि वह शुक्राचार्य की पुत्री को आकर्षित कर लेता है तो यह कार्य संभव हो जाएगा। कच्छ शुक्राचार्य के पास जाकर उनका शिष्य बन गया। कच्छ एक तेजस्वी बालक था। उसने देवयानी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और देवयानी कच्छ को मन ही मन प्रेम करने लगी। परंतु देवयानी यह बात किसी को बता नहीं सकती थी। एक दिन असुरों के देवता को इस छल का पता चल गया और उन्होंने चुपचाप कच्छ का वध करने का निर्णय कर लिया। और एक दिन असुरों ने कच्छ का वध कर दिया। जब इस बात का पता देवयानी को चला तो उसने अपने पिता से विनती की कि वह कच्छ को जीवित कर दे। परंतु शुक्राचार्य ने उसकी यह बात नहीं मानी। देवयानी ने अपने पिता को बताया कि वह कच्छ से बहुत प्रेम करती है। शुक्राचार्य से अपनी पुत्री की यह दशा नहीं देखी गई और उन्होंने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। यह बात जब असुरों को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। बहुत समय बीत जाने के बाद उन्होंने फिर से कच्छ का वध कर दिया। शुक्राचार्य समझ गए थे कि ये कार्य असुरों का है। उन्होंने पुत्री मोह में फिर से कच्छ को जीवित कर दिया। इस बार असुर बहुत अधिक क्रोधित हो गए और वे सोचने लगे कि कच्छ का वध किसी तरह करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने कच्छ का वध करके उसके शरीर को जला दिया। इस बार उन्होंने छल का प्रयोग किया। असुरों ने उसकी राख को पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। कई दिन बीत जाने पर जब देवयानी ने कच्छ को नहीं देखा तो वह बहुत चिंतित हो गई। उसने अपने पिता शुक्राचार्य से निवेदन किया कि वह कच्छ का पता करे। शुक्राचार्य बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अपने तपोबल से कच्छ का पता लगाया। तब शुक्राचार्य ने कच्छ का आवाहन किया तो उनके पेट से आवाज आई, गुरुदेव रक्षा करो। अब शुक्राचार्य घोर संकट में फंस गए। यदि वह कच्छ को जीवित करते तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर शुक्राचार्य ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान प्रदान कर दिया। तत्पश्चात कच्छ पुनः जीवित हो गया। देवयानी ने जब कच्छ को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई, परंतु उसे अपने पिता की मृत्यु का दुख था। कच्छ जिसने अब संजीवनी का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसने अपने शिष्य धर्म का पालन किया और शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। देवयानी अपने पिता को पुनः जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कच्छ के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु कच्छ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कच्छ के अनुसार वह शुक्राचार्य के पेट से निकला था, तो अब देवयानी उसकी बहन हुई और भाई बहन का विवाह कैसे हो सकता है। और साथ ही उसने अपने यहाँ आने का उद्देश्य भी बताया कि वह यहाँ मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त करने के लिए आया था। यह सुनकर देवयानी बहुत दुखी हुई और क्रोध में आकर उसने कच्छ को श्राप दे दिया कि जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए वह यहाँ आया था, समय आने पर वह उस विद्या का उपयोग नहीं कर पाएगा। यह सुनकर कच्छ भी क्रोधित हो गया और उसने देवयानी को श्राप दे दिया कि वह जिस भी पुरुष से विवाह करेगी वह चरित्रहीन होगा।